इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस कि बेसिकली हमारा डीबीएमएस है क्या। तो अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया है वो रिगार्डिंग द डेटा डेटाबेस एंड फ्लैट फाइल। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि ये है क्या। तो देखो मेनली कि जो डेटाबेस है वो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर ए पर्टिकुलर एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, या कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड को हम बोलते हैं डेटाबेस, जिससे कि वो जो रिकॉर्ड है एक तरह से जो पुराने टाइम में लेखा बही और ये कागजों में जो सब होता था वो कंप्यूटर बेस्ड उसका सारा लेखा जोखा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो दैट इज द डेटाबेस फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिट्राइवल करने के लिए या अपडेट यूज कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन कोई भी ऑपरेशन या इसको मैनिपुलेट करने के लिए इस कंप्लीट डेटाबेस और सिस्टम को, उसके लिए हमें स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सॉफ्टवेयर है हमारा डीबीएमएस। पहले म्यूट करो, ये आवाजें आ रही हैं, म्यूट करो सब लोग। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के उस कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, डीबीएमएस है। और ये सॉफ्टवेयर हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करता है डेटा को और इंफॉर्मेशन को, यानी डेटाबेस को प्रॉपरली मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करता है ये सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुने ही हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, साइबेस है, डीबी2 है, एसक्यूएल सर्वर है, फॉक्स प्रो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस आर देयर। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये डीबीएमएस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्लीट डेटाबेस को ऑर्गेनाइजेशन के मैनेज करने के लिए काम में आता है। तो अब इस सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं कि डिफरेंट रूटीन्स होते हैं, रूटीन्स मतलब फंक्शनैलिटीज या एप्लीकेशंस अलग अलग कामों के लिए, डेटा इनपुट के लिए, स्टोरेज के लिए, आउटपुट के लिए, वेरिफिकेशन, रिट्राइवल, मॉडिफिकेशन, अपडेट, इन सब ऑपरेशन के लिए मतलब कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए इसमें एप्लीकेशंस होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसको हम डीबीएमएस को क्या है, एक लेयर की तरह एज्यूम कर सकते हैं, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसको अभी मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा कि डीबीएमएस हमारा किस लेयर पे लाई करता है। अगर हम इस सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट लेयर्ड फॉर्म में अज्यूम करें तो सबसे आउटर लेयर में यूजर हैं, यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो दूसरे लेयर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरैक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो थर्ड लेयर पे हमारे जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एडिटर्स, डीबीएमएस, एंटीवायरस और डिवाइस ड्राइवर्स, थर्ड लेयर पे हो गए। उसके बाद जो इनर लेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ लेयर पर, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हार्डवेयर। तो इस तरह लेयर्ड आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन प्रोग्राम और फाइल सिस्टम के बीच हमारा डीबीएमएस लाई करता है। पहले के टाइम में क्या था, जब डीबीएमएस नहीं होते थे तो एप्लीकेशन प्रोग्राम वेयर डायरेक्टली एक्सेसिंग द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ फाइल, क्योंकि डेटाबेस जब हमने पढ़ा था कि वो पहले फाइल्स के फॉर्म में होते थे। ओके,
तो अगर बीच में कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डिस्कस विद इन द क्लास. ठीक है, बीच में भी पूछ सकते हो या लास्ट में. आई विल गिव यू द टाइम सो दैट यू कैन क्वेरी रिगार्डिंग योर डाउट. तो सिंपली जैसे अब क्या है कि हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, इसमें लैब के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. तो डेटाबेस जनरली जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सिलेबस में है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, जो कि टेबल के फॉर्म में होता है. डेटाबेस कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एडवांस डेटाबेस भी होते हैं, तो वो ट्री के फॉर्म में, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में, ग्राफ एग्जिस्टर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. बट यहाँ पर जो हमारा मतलब तुम्हारे 4 सेम का सिलेबस है दैट इज रिगार्डिंग द RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस किसी ऑर्गेनाइजेशन का कई टेबल्स में बनता है. अभी एक एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे बाद में कि टेबल्स के फॉर्म में, मतलब जनरली एक जनरल आइडिया क्या है कि डेटाबेस को क्रिएट करने का. तो इसको क्या है, एक कमांड होती है हमारी क्वेरी लैंग्वेज में क्रिएट टेबल नाम से. तो क्रिएट टेबल हम कमांड चलाते हैं और इसमें फिर वो टेबल नेम हमें प्रोवाइड करना होता है और उसके फील्ड नेम्स. ठीक है, तो फील्ड तो जानते ही हो कि अगर हम जैसे सपोज करो स्टूडेंट क्रिएट टेबल करके स्टूडेंट की, स्टूडेंट नाम की टेबल या डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्टूडेंट की आईडी, नेम, एज, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, जो भी फील्ड हमें रिक्वायर्ड है, ऑल द फील्ड्स विल बी एंटर्ड. तो एक स्टूडेंट के सारे फील्ड होंगे, दूसरे के भी यही फील्ड होंगे, वैल्यूज अलग अलग होंगे. तो इन फील्ड्स को हम एक तरह से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, जो कि एक कॉलम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक फील्ड एक कॉलम में, और टेबल के जो कंप्लीट रो है वो रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट रिकॉर्ड. तो हमारा जो DBMS का इंट्रोडक्शन है, यानी वेयर द DBMS इज इंट्रोड्यूस्ड, सो दिस इज द पिक्चर कि डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर देयर. And here is the DBMS software, system software, which interact with the file system, which is the part of the operating system. Okay, file system is the part of the operating system. And here it is the hardware, that means storage. Storage can be generally in the form of hard disk ya magnetic tape ya drives ya kisi bhi form mein ho sakta hai. So this complete database will be stored in the form of hardware. So this is the picture ke how the DBMS is positioned, or better we can say like this way, different users interact with the DBMS by using the different application programs, or in fact these application programs are also the part of the DBMS. DBMS ke paas apni query language hoti hai, to ye usi ki query language mein hi application program likhe jaate hain. Pehle ke system mein kya tha, file jab फाइल्स के फॉर्म में हमारा डेटाबेस होता था तो DBMS तो था नहीं, तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम थे ये DBMS का पार्ट नहीं थे. इनफैक्ट यूजर इनको प्रोग्राम्स को लिखता था और यूजर्स इन प्रोग्राम से सीधे फाइल सिस्टम को इंटरेक्ट करता था विदाउट द नीड ऑफ DBMS. तो अब DBMS होने के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं कि ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, रिट्राइवल, सिक्योरिटी, मॉडिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज. वी विल डिस्कस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेटर ऑन. ओके, सो दिस फाइल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम इज सपोज टू हैव द 3 components, द शेल, कर्नेल एंड फाइल सिस्टम. लेटर वी विल डिस्कस इट. I am also teaching you the operating system, so I will be discussing later on regarding the file system. And here it is the storage. So DBMS को एक तरह से इस complete software को ऐसे मान सकते हो कि it is a protecting layer as well as the manager, कि जो protect भी करता है database को different activities से, authorization से और password से और different मतलब module से. As well as this DBMS also manages the entire system
करेस्पॉन्डिंग टू द डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इनफैक्ट हम डीबीएमएस को ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज द एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस द थिंग्स रिलेटेड टू द डेटाबेस बाई यूजिंग इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, अब डीबीएमएस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो मैंने बताया ये कि जो डेटा हमारा स्टोर्ड है, डेटा स्टोर है डीबीएमएस के अंदर, वो डीबीएमएस का पार्ट ही माना जाता है। तो ये जो डेटा स्टोर है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस होगा। अब कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा डेटाबेस को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि फाइल सिस्टम में था। एप्लीकेशन प्रोग्राम विल इंटरेक्ट द डीबीएमएस, मतलब इंटरेक्ट द डेटा और डेटाबेस बाय यूजिंग द डीबीएमएस। तो डीबीएमएस इसको एक्सेस करता है, या ये कह सकते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डीबीएमएस की हेल्प से यूजर अपने डेटाबेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को एक्सेस करता है। तो डीबीएमएस के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस यूजर के पास कितना एक्सेस राइट है, जो यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है डीबीएमएस के अंडर या डीबीएमएस के सुपरविजन में। तो डीबीएमएस को उस यूजर की आइडेंटिटी पता है, मतलब यूजर अपनी आइडेंटिटी से, यानी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से इसको एक्सेस कर सकता है। अब हम बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर, डेटाबेस यूजर्स, एंड यूजर्स, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर। तो जितने भी यूजर होते हैं सभी यूजर का अपना एक्सेस ऑथोराइजेशन राइट होता है। ठीक है, तो अभी एक मिनट वेट करना, मैं जस्ट आया अभी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि डीबीएमएस, मतलब कि डेटा जो स्टोर्ड है डीबीएमएस एनवायरनमेंट के अंदर, that can be accessed by using the different application programs. Okay, ये मैंने बता दिया तुम लोगों को, अब आगे इसमें चलते हैं। और ये भी मैंने बताया कि application program request to the DBMS for the different services regarding the database, कि database को retrieve करना है, modify करना है, insert करना है, या delete करना है कोई record को। तो DBMS प्रोवाइड करता है ये मैकेनिज्म कि यूजर कैन डू द रिस्पेक्टिव टास्क। अब जिस यूजर के पास डिलीट करने का राइट होगा वो तो जनरली एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा या हायर अथॉरिटी पर्सन होगा। एक सिंपल यूजर तो डेटाबेस को डिलीट कर नहीं सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड या रिस्पॉन्सिबल पर्सन या एडमिनिस्ट्रेटर ही इंसर्ट कर सकता है। तो सबके पास अपना अपना एक्सेस और अथोराइजेशन राइट है, उस राइट को यूज करके वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से डेटाबेस को डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई, इंसर्ट एक्सेट्रा कर सकते हैं। तो इस सेंस में हम ये मान सकते हैं कि डीबीएमएस हमारा कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को मैनिपुलेट और मैनेज करने के रिगार्डिंग। तो डीबीएमएस हमारा इनफैक्ट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड मेनी अदर थिंग्स। लेटर इन दिस लेक्चर इटसेल्फ आई विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स। ओके, तो डीबीएमएस फंक्शंस, मतलब फंक्शंस की मीन्स की एक्टिविटीज, क्या हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द डीबीएमएस। ओके, तो एक सेकंड, जरा एक लेटर पढ़ लूं मैं। ओके, ठीक है, तो ऑपरेशंस जो हैं वो ओवरऑल वही हैं, डिलीट, मॉडिफाई, इंसर्ट, अपडेट, रिट्राइव,
तो DBMS हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर कि उन ऑपरेशंस को एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल सपोज कि किसी भी बोर्ड का डेटाबेस है, लेट से अपने टेक्निकल बोर्ड का मान के चलो, तो उनका अपना डेटाबेस है। तो अगर मान लेते हैं कि उनका डेटाबेस टेबल्स के फॉर्म में है, यानी रिलेशनल डेटाबेस है, तो अलग अलग टेबल संभवता होंगी। एक कॉलेज की अलग टेबल होगी जिसमें कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम होगा, कॉलेज में कितनी ब्रांचेस हैं उनकी संख्या होगी, कॉलेज में संभवतः कितने स्टूडेंट हैं, कब स्टेबलिस्ड है कॉलेज, इस तरह का इंफॉर्मेशन होगा। दूसरा जो उनका डेटाबेस होगा वो स्टूडेंट के रिगार्डिंग होगा कि यूपी में कितने स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या है, उनका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, उनका एड्रेस, मोबाइल, ठीक है। तीसरा डेटाबेस संभवतः सब्जेक्ट का हो सकता है कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट या ब्रांच बेटर, ठीक है, ब्रांच का डेटाबेस हो सकता है कि उस ब्रांच में, उस ब्रांच से करेस्पॉन्डिंग कितने कॉलेज हैं और उन ब्रांच से करेस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट हैं, कितना प्लेसमेंट है, या एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, ठीक है। तो आई मीन टू से कि डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड एंटिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब उनमें डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो किसी DBMS सॉफ्टवेयर के अंडर ही वर्क कर रहे होंगे, और उस कंप्लीट डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा या एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो उस कंप्लीट डेटाबेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जैसे तुम लोग अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया तुमने एग्जाम फॉर्म का, तो एग्जाम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि तुमने बोर्ड के डेटाबेस में अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दिया, तो तुम्हारे पास बोर्ड का डेटाबेस देखने की राइट नहीं है, ना ही कॉलेज के किसी टीचर के पास है, ना प्रिंसिपल के पास है। जो बोर्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन में हेड होगा या जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसी के पास एक्सेस राइट होगा कि डेटाबेस को वो डायरेक्ट देख सके, ठीक है। हमारे पास कितना एक्सेस राइट है कि जैसे कॉलेज के पास राइट है कि वो कॉलेज से रिलेटेड सारे स्टूडेंट का डेटाबेस देख सकता है, स्टूडेंट के पास राइट है कि वो अपना डेटाबेस देख सकता है, दूसरे का वो तब देख सकता है जब दूसरे का पासवर्ड उसके पास हो। तो कॉलेज के पास अथॉरिटी है, कॉलेज अपने स्तर का डेटाबेस देख सकता है। तो कॉलेज जब डेटाबेस फिल करता है जैसे रिगार्डिंग मार्क्स है, सेशनल मार्क्स है, तो वो सब बोर्ड के डेटाबेस में जाके एंटर हो जाते हैं परमानेंटली, लेकिन हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने तो, हमारे पास केवल इतना राइट है कि हम डेटाबेस में रिलेशन वो इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जैसे तुम अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो तुम्हारे पास इतना ही राइट है कि तुमने फॉर्म उसको साइट को एक्सेस करके अपने लॉगिन से और साइट को एक्सेस करके और वहां डेटाबेस फिल मतलब अपना कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें डेटाबेस जो है यूजर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट यूजर्स के लिए मैंने बताया है कि डिफरेंट टाइप के यूजर्स अपना क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई, कंस्ट्रक्ट, डिलीट, मेंटेन, मैनिपुलेट, ये सारे ऑपरेशंस डिफरेंट यूजर्स कर सकते हैं डेटाबेस से, डेटाबेस मतलब के बाय यूजिंग द DBMS फैसिलिटी। डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं, तो फाइल क्रिएट करना, डेटा उसमें ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई, स्टोर, अपडेट, एक्सेट्रा। तो ओवरऑल वही है, डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट टास्क, रिलेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा का सिलेक्टिव और कलेक्टिव रिट्रायवल, मतलब कि डेटाबेस में तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है,
बस उस डेटाबेस में हम जितना डेटा चाहें, जितना सिलेक्ट करना चाहें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उतना उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि हमारी क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू लिखना पॉसिबल है। तो हम बाद में देखेंगे क्वेरी लैंग्वेज क्या है बेसिकली, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। तो मैंने बताया कि डीबीएमएस हमारा एक कंप्लीट एनवायरनमेंट है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, या हम ये कह सकते हैं कि जहां कई बार तुमने सुना होगा कि डेटाबेस सर्वर्स, वेब सर्वर्स, या सिंपली किसी भी टाइप का सर्वर्स, वैम। तो डेटाबेस अपने आप में कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और उसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि डेटाबेस के जो मतलब डीबीएमएस के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये सारे हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस में पहले हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर का डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस अभी तक सब लोग जानते ही हो कि डेटाबेस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड, या जो रिकॉर्ड है या फाइल्स हैं, कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच कैन बी मैनेज्ड बाय द डीबीएमएस। दूसरा है डेटा, तो डेटा इज द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, डेटा इज द बेसिक यूनिट ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, फाइल्स इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, एंड फील्ड इज बेसिकली द डेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हम ये मान सकते हैं कि जो डीबीएमएस है, अगर हार्डवेयर ना हो तो डीबीएमएस तो वर्क कर ही नहीं सकता ना। तो हार्डवेयर इज ऑल्सो सपोज टू बी पार्ट ऑफ डीबीएमएस, कि हार्डवेयर नीडेड टू मैनेज एक्सेस, मैनिपुलेट एक्सेट्रा टू द डीबीएमएस, सो दैट इज द हार्डवेयर फॉर डीबीएमएस। क्योंकि डीबीएमएस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क या किसी भी टाइप की मेमोरी या कोई भी स्टोरेज मीडियम चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है, तो मेन तो इसमें सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो डीबीएमएस भी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि डीबीएमएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर वर्क करेगा। फिर अगर ये डेटाबेस है तो नेटवर्क पर ही चलता है, जनरली वेब पर चलता है, तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होगी, और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी पार्ट होंगे डीबीएमएस के। फिर है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के मतलब कोई यूजर किस इंटरफेस के थ्रू डीबीएमएस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो जनरली जो डिफरेंट इंटरफेस हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम, मेनली एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस से, किसी फॉर्म का यूज करके, मीनू का, लैंग्वेज का, इन सब का यूज करके हम डीबीएमएस को एक्सेस करते हैं। फिर है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम सभी लोग जानते हो, और हम बार बार डिस्कस कर भी चुके हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर डीबीएमएस। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सपोज टू बी द पार्ट ऑफ डीबीएमएस। बाय यूजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम we can take the different facilities or use the different facilities of the DBMS to manipulate the database, okay, or to access the database or to delete jitni bhi functionality hain DBMS ki, that can be used by using the application program.
तो उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, यू कैन जस्ट रीड आउट, अदरवाइज तो ये मैंने मोस्टली एक्सप्लेन कर ही दिया है, सो रीड आउट दिस फाइल. सर विंडो पे सर प्लीज मूव विंडो अवे फ्रॉम दिस, ये कुछ लिख के आ रहा है. हाँ चलो मैंने हटा दिया है उसको, ठीक है अब नहीं आएगा. अभी एक टर्म आ रहा होगा डेटा डिक्शनरी, तो ठीक है अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, डेटा डिक्शनरी हम पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में. डेटा डिक्शनरी हमारा क्या है कि बेसिकली मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा. जैसे डेटाबेस टेबल्स होती हैं तो वो अपने आप में डेटा कंटेन करती हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं. अब सभी टेबल का, अगर जितनी भी टेबल्स हैं सभी टेबल का रिकॉर्ड एक जगह रखा जाए, उनका एक बेसिक समरी रखा जाए, तो वो मान के चलो एक डेटा डिक्शनरी होगा. ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट है, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें आगे चलते हैं. कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस टूल्स, तो कुछ टूल्स होते हैं डीबीएमएस के साथ जिनको यूज करके हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं या डेटाबेस के बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को और मॉडिफाई करते हैं या उनको अपडेट करते हैं. मतलब कि डेटाबेस की फंक्शनलिटी को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं. टूल्स कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि को टूल्स कोई छेना थोड़ी हार्डवेयर टूल्स हैं, टूल्स मींस के सॉफ्टवेयर ही अपने आप में. अब डेटा प्रोसेसिंग मोड्स, तो डेटा प्रोसेसिंग मोड्स कुछ ऐसे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये तीन तरह के मोड होते हैं, बैच प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन है. ऑनलाइन मीन्स इंटरेक्टिव, यूजर कैन डायरेक्टली और करेंटली इंटरेक्ट. और तीसरा है रियल टाइम. बैच प्रोसेसिंग में क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं या जो भी हम उसमें अपना फंक्शनलिटी यूज करना चाहते हैं, तो वो एक ग्रुप में कलेक्ट करके तब हम उसको डेटाबेस डीबीएमएस को देते हैं और वो एक साथ प्रोसेस होती है. मतलब कहने का ये है कि जैसे हम सपोज कि हमें उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जिनकी एज 18 प्लस है, फिर दूसरा किसी और बेसिस पे हमें कोई और एक्टिविटी चाहिए, फिर तीसरी और कुछ और चाहिए, तो हम उनको एक फाइल में कलेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द क्वेरी लैंग्वेज, और उनको एक साथ डीबीएमएस को दे देते हैं, तो वो एक साथ प्रोसेस होकर हमें रिजल्ट मिल जाता है. दूसरा है ऑनलाइन. तो ऑनलाइन तो सभी लोग जानते हो, इंटरेक्टिव मींस के जैसे मैं हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज ऑनलाइन मोड. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें करेंटली पढ़ा रहा हूं, दिस इज ऑनलाइन टीचिंग, कि डायरेक्टली वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर. दूसरा अगर बैच की बात करें तो मैं क्या करूं कि मैं एक दिन छुट्टी निकाल के संडे को चार लेक्चर बनाऊं और उन चारों लेक्चर को एक साथ तुम्हारे यूट्यूब पे डाल के बोल दूं ग्रुप में कि ठीक है नाउ यू कैन रीड आउट, तो वो क्या है, बैच प्रोसेसिंग. ठीक है, ऑनलाइन मतलब अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जो भी है डायरेक्टली वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. और तीसरा है रियल टाइम प्रोसेसिंग. तो रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है, जनरली कुछ नया नहीं है, इट इज रिलेटेड विद द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. रियल टाइम से, रियल टाइम क्या है कि एक सिस्टम जो है वो ये है कि इट शुड परफॉर्म विदिन द फिक्स टाइम कंस्टेंट. इस फिक्स टाइम कंस्टेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कि ये सब डायनेमिक होना चाहिए, मतलब विद इन द टाइम फ्रेम होना चाहिए. जैसे मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है. अगर नेटवर्क स्लो है तो हो सकता है मेरी आवाज तुम्हारे पास एक सेकेंड बाद पहुंचे, लेकिन रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या है कि इट शुड बी विद इन द टाइम, फिक्स टाइम कंस्टेंट. अगर उसमें एक सेकेंड का डिले नहीं होना है तो नहीं होना.
ठीक है, तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टुडेज डिस्कशन फॉर द डीबीएमएस. और अब नाउ इफ यू हैव द क्वेरी यू कैन जस्ट आस्क टू मी. कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हो. पूछना है किसी को? नहीं तो फिर क्लोज करें. हाँ बताओ. सर जो डीवीएमएस में हम डाटा स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्म में, तो उसमें आईडीज होती है, तो क्या सर आईडी सेम हो सकती हैं? आईडी से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सर जो कॉलम होते हैं जैसे सर नेम और ये हो सकता नेम क्लास वगैरह, ये सब सेम हो सकते हैं डेटाबेस में? देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स. तो फाइल्स यहाँ पे क्या है, हमारी टेबल है एक तरह से. अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे जो फाइल का इक्विवेलेंट है वो है टेबल. तो अब एक टेबल में टेबल क्या है हमारा डेटाबेस, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. तो एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम स्टूडेंट डेटाबेस की बात मान के चल रहे हैं तो एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट के करेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड दूसरे स्टूडेंट के करेस्पॉन्डिंग होगा. तो सारे फील्ड दो स्टूडेंट के सेम नहीं हो सकते किसी भी डेटाबेस में. दिस इज ए रूल, स्ट्रिक्ट रूल, के अगर सारे फील्ड सेम है तो वो डेटाबेस डीबीएमएस हमारा उसको एक ही एंटिटी ट्रीट करेगा. इसका मतलब ये है कि हम सेम रिकॉर्ड को दोबारा कॉपी नहीं कर सकते, जो कि फाइल सिस्टम में पॉसिबल था, लेकिन डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन के बाद ये पॉसिबल नहीं है. समझ में आया? Yes. मैंने क्या कहा कि सारे फील्ड सेम नहीं हो सकते. मतलब अगर 10 फील्ड है तो 9 तो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन 10 के 10 कॉमन नहीं हो सकते. अब जैसे दो स्टूडेंट हैं तो उनकी एज सेम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं. उनके फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, भाई बहन जैसे पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज में भी एग्जाम्पल है. एड्रेस सेम हो सकता है, हो सकता है दोनों भाई बहन एक ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो भी सेम हो सकता है. हो सकता है वो ट्वेंस भी हों, ये भी कोई हम नकार नहीं सकते, ठीक है. हालांकि कोई ऐसा ट्वेंस भाई बहन नहीं पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज में, बट पॉसिबिलिटी तो है ना कि ट्वेंस भाई बहन हो एक साथ एक कॉलेज में एडमिशन लें एक ही क्लास में, तो बहुत सारे फील्ड सेम हो जाएंगे, लेकिन नेम तो सेम नहीं होगा या उनका एनरोलमेंट नंबर तो सेम नहीं होगा. मतलब कहने का कि सारे फील्ड सेम नहीं हो सकते सारे एक साथ, कम से कम एक फील्ड डिफरेंट जरूर होगा. अगर सारे सेम होंगे तो हम उसको फिल कर ही नहीं सकते. डीबीएमएस की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेगा कि सारे फील्ड सेम नहीं होने देगा. सारे फील्ड सेम होने का मतलब वो एक ही रिकॉर्ड को ट्रीट करेगा, यूनिक रिकॉर्ड. ठीक, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? पूछ सकते हो, अभी 3-4 मिनट का टाइम है. नहीं पूछ रहा है तो फिर क्लोज कर रहा हूं मैं मीटिंग. करें क्लोज? चलो ठीक है, तो एंड कर रहे हैं फिर मीटिंग. पूछना हो तो बताओ.